नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश में कल से 15 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराना, सब्जी, दूध और मांस मछली की दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक खुली रहेंगी। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,794 नए मामलों की पुष्टि। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर कल से 15 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि कल मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया गया। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केंद्र, बैंक और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। गृह विभाग ने लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी कर दी है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। केवल पुलिस, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन और डाक विभाग तथा अन्य आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से छूट होगी। जरूरत के सामान जैसे खाने पीने की चीजों की बिक्री, फल और सब्जी, मांस मछली और दूध की बिक्री सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक ही की जा सकेगी। अस्पताल, दवाओं, उनके निर्माण से संबंधित दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। रेस्तरां और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध होगा। केवल होम डिलीवरी के मकसद से सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक उनके संचालन की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों को पैकेज भोजन ले जाने के लिए खुले रखने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक रूप से आवाजाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पैदल और वाहनों से आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में केवल कुल क्षमता के 50% यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। रेल, विमान सेवा और अन्य लंबी दूरी की यात्रा के लिए ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सकेगा। जिला प्रशासन से ई पास निर्गत निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों को विमान और रेल सेवा के लिए जाना हो, उन्हें वैध टिकट के साथ निजी वाहन से आने जाने की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर दूसरे राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी परीक्षा के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह को लेकर लॉकडाउन से छूट दी गई है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन बारात निकालने की मंजूरी नहीं होगी। डीजे संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह विभाग ने कहा है कि विवाह समारोह संबंधी आयोजन की सूचना कम से कम 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। वहीं श्राद्ध कार्यक्रमों और अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोग ही भाग ले सकते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों को भी आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्णय किया गया है। लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों को मदद करने के लिए जिलाधिकारियों को सामुदायिक किचन स्थापित करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी राशन कार्ड धारकों को इस दौरान मुफ्त राशन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपसी सहयोग से ही कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से बचाव किया जा सकता है।
आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। आप इन व्यवस्थाओं का पालन करेंगे वह कोरोना से बचाव में सहायक होगा। हम सब लोग अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,794 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में 72,658 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में संक्रमण की दर लगभग 16% हो गई है। सबसे अधिक पटना से 2,681 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा वैशाली से 635, गया से 767, मुजफ्फरपुर से 461, पश्चिम चंपारण से 516 और बेगूसराय से 462 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रिकॉर्ड 13,603 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है। राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है। पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद सतीश चंद्र दुबे कोविड से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वे होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में आज कोविड संक्रमण के 12 लोगों की मृत्यु हो गई। अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोविड के 41 नए मरीजों को अस्पताल में आज भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी अब भी चुनौती बनी हुई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्यूमुलेटिव डेथ रेट देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। साथ ही अगर हम डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज, तो शायद केसेज में कुछ हद तक कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। बिहार सहित कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने पर श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्यों को और गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेकर 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में है और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कपानी ने लोगों से कोविड के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है। तो आपको अगर सिम्टम्स बहुत लगता है कि ये पेशेंट को कोविड है, जैसे पेशेंट को गले में खराश हो रही है, बॉडी में पेन हो रही है, बहुत थकावट लग रही है, हल्का बुखार है 100 के करीब, खांसी भी हो सकती है, बुखार तेज भी हो सकता है लेकिन अक्सर बुखार 100-101 के बीच में रहता है, टेस्ट नहीं पता चल रहा है, टेस्ट सेंसेशन खराब हो गई है,
स्मेल सेंसेशन भी कभी खराब हो सकती है, तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट दो प्रकार के हैं, एक तो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 10-15 मिनट में आ जाती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इट इज पॉजिटिव, आप मानिए कि पेशेंट को कोविड है। लेकिन अगर नेगेटिव है और पेशेंट को सिम्टम्स बहुत टिपिकल हैं कोविड के, फिर उसको आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के मद्देनजर इस वर्ष आयोजित होने वाली जेईई मई सत्र की मुख्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले अप्रैल सत्र की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज इसकी घोषणा की है। मुख्य परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इधर एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। एनटीए द्वारा पहली बार जेईई मेन 2021 की परीक्षा 4 सत्रों में आयोजित की जा रही है। पहले दो सत्रों की फरवरी और मार्च की परीक्षाएं ली जा चुकी हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को मई महीने में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है। ऐसे संस्थानों में सभी आईटीआई, एनआईटी, IIIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। जाने माने एरोनॉटिकल वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का आज अंतिम संस्कार दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव में कर दिया गया। कल देर रात हृदय गति रुक जाने से दरभंगा में उनका निधन हो गया था। वे लगभग 78 वर्ष के थे। मानस बिहारी वर्मा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस परियोजना से जुड़े हुए थे, साथ ही उन्होंने DRDO की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। काल वैशाखी हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अररिया, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया और किशनगंज जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश अररिया जिले के फारबिसगंज में दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अब भी बिहार के कुछ हिस्सों से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण 8 मई तक राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं आसपास समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर कल से ही मौजूद है एवं एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उप हिमालयन पश्चिम बंगाल होते हुए असम तक गुजर रही है एवं बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमीयुक्त हवा का आगमन उत्तर बिहार के क्षेत्रों में हो रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर एवं दक्षिण बिहार के एक या दो स्थानों पर हल्के से मध्यम तीव्रता वाली बारिश, आकाश बिजली चमकने, वज्रपात एवं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा चलने का पूर्वानुमान। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम परवेज ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके सलीम परवेज ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के मामले में वे राजद के शीर्ष नेताओं की अनदेखी से दुखी हैं। कटिहार जिले के डंडखोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत संगत टोला में एक घर में लालटेन के फट जाने से दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कल से 15 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराना, सब्जी, दूध और मांस मछली की दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक खुली रहेंगी। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 14,794 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।